कि आपको पता है आजकल वो कोविड सिचुएशन चल रहा है, तो इसलिए हम लोग सब्जी थोड़ा ज्यादा ज्यादा लाते हैं, और ज्यादा सब्जी लाने से क्या होता है जल्दी खराब हो जा रहा है। तो इस कारण मैं जो अपने टिप्स यूज करती हूँ किचन में, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। चलिए देखते हैं ये टिप्स। मेरा पहला टिप जो है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के लिए है, वो धनिया हो, पालक हो, मेथी हो। तो उसके लिए आप पहले क्या करिए, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, अभी मैंने धनिया लिया है, इसको अच्छे से धो लीजिए। धोने के बाद इसको अच्छे से सुखा लिए, सबसे मेन है इसको अच्छे से सुखा लीजिए, थोड़ा भी इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। फिर इसको काट तोड़कर इतना रूट्स को हटा दीजिए। उसके बाद ये हमारा जो धनिया है, इसके लिए अभी हम क्या करेंगे, पहले एक कंटेनर में एक लेयर आप टिश्यू का डालिए, उसके ऊपर एक लेयर आप एल्यूमिनियम फॉइल का डालिए, आप इसके ऊपर आप अपना धनिया रख दीजिए, और इसको अभी हम फ्रिज में रख सकते हैं। आपका ये धनिया 2 हफ्ते तक थोड़ा भी खराब नहीं होगा। इसी तरह आप मेथी हो, पालक हो, सबको ऐसे स्टोर करके रख सकते हैं। मेथी को भी आप उसके लीव्स हटाकर रख दीजिए छोटे छोटे करके। पालक में भी सेम, आपको लीव्स हटाकर रखना है। बस यही ध्यान दीजिए, थोड़ा भी पानी नहीं रहना चाहिए, अच्छे से ड्राई होना चाहिए। एक लेयर आपका टिश्यू रहना चाहिए, एक लेयर एल्यूमिनियम फॉइल रहना चाहिए, उसके बाद आप इसको फ्रिज में रख सकते। उसी तरह अभी मैं आपको दिखाऊंगी मैं चिल्ली कैसे रखती हूँ। सेम, आप एक लेयर टिश्यू का डालिए, एक लेयर एल्यूमिनियम फॉइल का डालिए, उसके बाद आपका जो ग्रीन चिली है उसको अच्छे से धोकर सुखा लीजिए। उसके जो स्टेम्स है इसको निकाल लीजिए, स्टेम्स के साथ मत रखिए नहीं तो बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। ये सारे स्टेम्स आपको हटा लेना है। उसके बाद इसको एक कंटेनर में रख लीजिए। आपको ध्यान देना है पानी नहीं रहना चाहिए। ये आपका रेडी है, इसको आप फ्रिज में रख दीजिए, 2 हफ्ता या 3 हफ्ते तक आपका ये मिर्ची खराब नहीं होगा। उसी तरह अदरक जो होता है, जब हम लेकर आते हैं फ्रिज में, जब रख देते हैं, या तो वो कभी कभी सूख जाता है या फंगस हो जाता है, तो उसके लिए मैं जो करती हूँ, अदरक को मैंने अच्छे से धो लिया, धो के सुखा लिया, फिर उसका जो स्किन है मैंने स्किन को हटा लिया है, देख सकते हैं आप एकदम साफ अदरक है। उसके बाद किसी भी एक कंटेनर में आप इसको स्टोर करके रख दीजिए, और इसको आप फ्रिज में रख दीजिए। आपका ये अदरक बहुत दिन तक ठीक रहेगा ना, इतने जल्दी खराब नहीं होगा। ये नींबू जब हम मार्केट से लाते हैं, जब फ्रिज में रख देते हैं, बहुत जल्दी सूख जाता है, तो उसके लिए मैं जो करती हूँ, नींबू को लेती हूँ, उसको टिश्यू में रैप कर देती हूँ। आपके पास जितने नींबू है उसको अच्छे से टिश्यू में रैप कर दीजिए। रैप करने के बाद एक बैग लीजिए, बैग में ये लेमन रखकर अच्छे से इसको अभी आप फ्रिज में रख दीजिए, आपका ये नींबू खराब नहीं होगा। आपको अगर मेरे ये किचन टिप्स अच्छे लगे तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।